पूजा किया हुआ आज उसके यहाँ पे आए हैं दही चूड़ा खाने के लिए। 50 रुपए का 5 पतंग लाए हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं अभी। पापा से झगड़ा हो गया। तो भाई लोग आज है मकर संक्रांति, मतलब तिलवा पर्व हम लोग गाँव घर में बोलते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले से ही मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर मैं जी जान लगा के ब्लॉगिंग करता, देश दुनिया घूमने के लिए जाता, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। खैर, आज है मकर संक्रांति तिलवा पर्व, तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग गांव घर में कैसे मनाते हैं तिलवा पर्व। पूरा उत्साह के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा घर में फैमिली ब्लॉग फर्स्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होगा। पहले ही दोनों बालक नहा लिया है। है हिम्मत, है हिम्मत। आज उतना ठंडी भी नहीं किया है, नहा लेते हैं। ठीक है, नहीं नहाएंगे तो बोलता है कि जानवर में जन्म हो जाएगा। तो जानवर में जन्म नहीं चाहिए ना हमको, फिर से आदमी में जन्म चाहिए, इसलिए नहाना पड़ता है सुबह सुबह। अच्छा, बचपन में पूजा किया हुआ आज पूजा कर रहा हूँ वीडियो में दिखाने के लिए। गजब तो विवाज आदमी हो। अभी हम अपने दोस्त के यहाँ पे आए हैं दही चूड़ा खाने के लिए। सान रहा है इसको, पहले सानेगा बढ़िया से। हाथ में तिलवा है, अभी दही चूड़ा तिलवा खाएंगे। अभी हम लोग 50 रुपए का 5 पतंग लाए हैं, अभी उड़ा रहे हैं। हमको बांधने नहीं आता है, ये बांध रहा है मेरा पतंग को। और आसमान में देख सकते हैं आप, बहुत सारा पतंग उड़ रहा है। मैं अभी आपको जूम करके पीछे का कैमरा से दिखाता हूँ आपको। एक पतंग वहाँ पे, DSLR मेरे पास में नहीं है, एक भी पतंग नहीं दिख रहा है। 5-6 पतंग उड़ रहा है, एक पतंग कट गया, देख सकते कैसे घूर रहा है वो। दोनों पतंग क्रैश हो गया है, पहला वाला गुड्डी दूसरे वाला गुड्डी को डेड कर दिया है, देख सकते हैं। ये है कटने वाला, मेरा गुड्डी उड़ ही नहीं रहा है, उड़ाने की कोशिश करते हैं अभी। तीन पतंग वहां पे उड़ रहा है, एक पतंग इतना दूर गया है कि दिखता भी नहीं है। एक बच्चा ई, इसका पतंग ई, एक आदमी ई और इसका गुड्डी ई उड़ रहा है। एक ऊ, उसका गुड्डी ऊ। बस अब घर आकर मैं रसिया और सब्जी खा रहा हूँ, जो कि मकर संक्रांति के दिन सभी के यहाँ बनता है। तो हे गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। मैंने सुबह में जैसे सोचा था कि यह मकर संक्रांति का वीडियो बहुत ही धूमधाम से बनाऊंगा, लेकिन मेरा मम्मी चली गई डॉक्टर के यहाँ। अगले वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि मेरा मम्मी डॉक्टर के यहाँ पे क्यों गई थी। और मैं मजदूर कैटेगरी का हूँ, तो मुझे एक कोई लोग जबरदस्ती काम पे लेके चला गया, मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया। दिन भर शाम में अपना घर का काम, फिर शाम में आया तो पापा से झगड़ा हो गया। यह बताने योग्य बात नहीं है कि क्यों झगड़ा हो गया। फिर मैं जाके बहुत ही रोया, सोचा कि चलो यार घर से भाग जाते हैं, अब छोड़ देते हैं सारा दुनियादारी। लेकिन मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए आज वो पर्व खत्म हो गया। आज तो बहुत दिनों बाद यह वीडियो की एडिटिंग हो रही है। खैर, सब कुछ अच्छा ही हुआ। अब मैं फिर से भीग चुका हूँ अपने डेली ब्लॉग में, मतलब ब्लॉगिंग चैनल में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना एक छोटा सा कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।